बच्चों, क्या तुम्हें पता है हमारे राष्ट्रीय झंडे में दिए गए इन तीन रंगों का क्या मतलब है? हाँ दी, केसरी रंग वीरता और त्याग के लिए है, और सफेद रंग शांति और सच्चाई के लिए, और हरा रंग उन्नति के लिए है। बिल्कुल सही बच्चों, तुम दोनों को देखकर मुझे मेरे बचपन के दिन याद आ गए। आंटी, जब आप छोटे थे तो कैसे मनाते थे स्वतंत्रता दिवस? हम सभी बच्चे स्वतंत्रता दिवस के दिन सुबह जल्दी उठकर तिरंगे के रंग से जुड़े कपड़े पहनकर स्कूल जाते थे और प्रिंसिपल सर के झंडा फहराने का इंतजार करते थे। उनके झंडा फहराने के बाद हम राष्ट्रगीत गाते थे और देशभक्ति के गानों पर डांस भी करते थे। पर मम्मी, हम स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाते हैं? बच्चों, 15 अगस्त 1947 को भारत ने अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी प्राप्त की थी। इस आज़ादी के लिए कई वीर योद्धाओं ने अपनी जान दी थी। हम उनको याद करते हैं और इसी दिन को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। आंटी, फिर हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? उस दिन भी हम वही करते हैं जो हम स्वतंत्रता दिवस पर करते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस दिन 26 जनवरी 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ था। मम्मी, ये संविधान क्या होता है? बच्चों, संविधान एक किताब होती है जो हमारे देश के नियम और मूल अधिकार को बताती है। ठीक उसी तरह ना आंटी, जैसे हमारे स्कूल में नियम होते हैं। बिल्कुल सही स्माइली, नियम हम सभी के लिए बहुत जरूरी हैं, चाहे वो स्कूल में हो या घर पर। और बच्चों, क्या आप जानते हैं, इस दिन इंडिया गेट पर हमारे देश के सैनिक परेड निकालते हैं और विभिन्न सांस्कृतिक और कलाओं का प्रदर्शन करते हैं। इंडिया गेट जो हमारी राजधानी दिल्ली में है। वाह, कितना मजेदार है ये। वाह मम्मी, कितने सारे त्योहार। हाँ बिल्कुल मटरू, हमारा देश अनेक संस्कृतियों का घर है। विभिन्न धर्मों और क्षेत्रों के लोग अपने अपने त्योहार मनाते हैं, इसीलिए राष्ट्रीय त्योहार को सभी भारतीय एक साथ मिलकर मनाते हैं। बच्चों, क्या तुम्हें पता है गांधी जयंती भी हमारे देश का एक राष्ट्रीय त्योहार है? आंटी, हमें और बताइए ना गांधी जयंती के बारे में। बच्चों, गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर 1869 के दिन महात्मा गांधी का जन्म हुआ है। उन्हें प्यार से हम सब लोग बापू कहते हैं। हाँ, हमारी टीचर ने बताया था कि हमें स्वतंत्रता दिलाने में बापू का बहुत बड़ा योगदान था, और इसीलिए हम उन्हें राष्ट्रपिता भी कहते हैं। बिल्कुल सही मटरू, और गांधी जी हमेशा सत्य और अहिंसा के रास्ते ही चले हैं, और उन्होंने सभी को उसी रास्ते पर चलने को कहा है। सत्य यानी हमेशा सच बोलना, और अहिंसा यानी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना और प्रेम से रहना। हम समझ गए आंटी, हम भी हमेशा सत्य और अहिंसा के रास्ते पर ही चलेंगे। दोस्तों, हमने तो राष्ट्र त्योहारों के बारे में जान लिया है। उम्मीद है आपने भी इस वीडियो से काफी कुछ सीखा होगा। बाय बाय दोस्तों, अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।